ए के मिश्रा। देखिए, पहला जो आपका जो टाइटल था कि ये होड़ जो लगी है श्रेय लेने की, तो एक बड़ा हिस्टोरिक वो बताता हूँ। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो पांडव सब लोग बोलने लगे हमने जीता हमने जीता। ये हुआ बरबरीक के पास, चलो जो सब कुछ देख रहा था। तो बरबरीक ने बोला कि हे जनार्दन, सब जगह आपका ही सुदर्शन चल रहा था, आप ही ने ये पूरा युद्ध जिताया हराया जिसको। और जनार्दन मतलब जनता, जनता ही जनार्दन है। तो अगर अपने अपने प्राचीन इतिहास से देखें तो लोकतंत्र में जो भी है, कोई भी सड़क पुल बनता है वो जनता के द्वारा ही बनता है। रही बात यश अपयश लेने की, तो उसका भी है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। एक कालखंड में बीजेपी की सरकार रही है तो यश या अपयश जो भी होगा, बीजेपी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है बहुत सारी चीजों पे, मित्रों ने किया भी। तो जो यश होगा जो अपयश होगा, वो जो अभी जिनके भाग्य में ये लिखा है, नेतृत्व करना बनना बनवाना निमित्र मात्र बनना, वो निमित्त मात्र है। ठीक है, आज बीजेपी है कल कोई आएगा, और ये उनके मतलब ये विधाता की बात है, उनके भाग्य की बात है कि बीजेपी की सरकार है। रही बात पॉलिटिकल माइलेज की, मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम नहीं करती है। मैं इसको मतलब मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है, उसके पीछे कारण है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और इलेक्शन लड़ रही है, प्रचार कर रही है, धुआंधार सारी चीजें कर रही है, तो वो क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि निष्काम कर्म की कामना, ये तो भाई बहुत ऊंची बात हो गई। अगर ऐसा भारत में हो जाए तो सोने की चिड़िया भारत बन जाएगा। मैं ये बोलता हूं कि पॉलिटिकल माइलेज पार्टियां लेती हैं और लेना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। रही बात इस एक्सप्रेसवे का कितना फायदा मिलेगा, अखिलेश यादव ने भी एक्सप्रेसवे बनाया था, उसका माइलेज वो नहीं ले पाए। बनवाना दूसरी चीज है, माइलेज लेना दूसरी चीज है। माइलेज तब मिलता है जब जनता को हृदय से ये लगने लगे कि उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली आई है, और अभी 6-7 महीने चुनाव में बाकी है, जनता उसका प्रयोग करेगी, उससे इन्फ्लुएंस होगी। इसके साथ साथ अगर एक पाई चार्ट बनाए तो बीजेपी के पास, चूंकि सरकार में है, इनके पास बहुत मुद्दे हैं, केवल एक्सप्रेसवे पाई चार्ट में एक बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा माइलेज लेने के लिए। अभी तो देखिएगा, एक तर्कस से एक एक तीर निकलेंगे। विपक्ष को सलाह यह है कि उस तीर को ये झेलेंगे कैसे, अपनी रणनीति कैसे, क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं ना, तो आप विकास कर नहीं सकते, रोड का कोई प्लानिंग वगैरह, आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं जब आप सत्ता में नहीं होते हैं। तो ये तो एक बहुत मार्केटिंग बड़ा में नहीं कर चैलेंज सकते आप। विपक्ष के लिए। ठीक है, आप क्या विनोद जी बोल को रहे ये हैं, जवाब देना है और अरविंद जी भी हमारे साथ। आप ठीक है 5 साल, प्लीज। आपके पास एक ही हाँ स्कोप बचता है कि पक्ष की, विनोद सत्ता पक्ष की कमजोरियां निकाल करके विनोद पब्लिक को अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो आप जीत विनोद जाएंगे। देखिए विनोद, मिश्रा जी मिला का, में बच्चा मिश्रा को चुप जी, कर, एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट विनोद, मिला में बच्चा को चुप कराने के लिए झुंझुना भी नहीं है आपके पास, शेर का फोटो भी नहीं है, तो कैसे चलेगा जो बात ए के मिश्रा कह रहे हैं।